हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टिच क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, नोट्स मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं जैसे मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके मेन थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि ये पैसेज इस थीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो पॉइंट्स जो उससे जुड़े हैं वो होंगे आपके मेन हेडिंग। मेन हेडिंग के बाद कई बार आपको सब हेडिंग लिखने पड़ते हैं। सब हेडिंग क्या है, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आप के मेन थीम से जुड़े होते हैं या मेन थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको डेवलप करने में सहायता करते हैं। कई बार हम सब सब हेडिंग भी लिखते हैं। ये पॉइंट्स आपके सब हेडिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एग्जामिनर चाहता है आप इन पॉइंट्स को एक फॉर्मेट के अंदर लिखें। फॉर्मेट में जैसे आप जहाँ पे पिक्स के अंदर देख सकते हैं, मेन हेडिंग लिख दिया आपने, जैसे सबसे टॉप पे नोट्स, फिर आपने एक लाइन का गैप, फिर उसके नीचे लिखा आपने मेन हेडिंग 1, फिर उसका सब हेडिंग 1.1, फिर दूसरा सब हेडिंग 1.2, इसी तरह से आपका मेन हेडिंग 2 आ गया, फिर आपका आ गया सब हेडिंग 2.1, 2.2 सब हेडिंग, फिर आपका मेन हेडिंग 3, तो फिर आया आपका सब सब हेडिंग 3.1, 3.2, 3.3, और आप देख सकते हैं 3.3.1, 3.3.2, ये क्या है, ये सब सब हेडिंग है। एग्जामिनर चाहता है कि आप फॉर्मेट के साथ इंडेंट भी बनाएं। इंडेंट का मतलब क्या है, जगह छोड़कर, स्थान छोड़कर। मतलब अगर आपने जैसे मेन हेडिंग लिखा है तो थोड़ा सा पीछे हटके आप सब हेडिंग लिखेंगे, फिर थोड़ा सा पीछे हटके आप लिखेंगे सब सब हेडिंग। इसको कहते हैं इंडेंट, प्रॉपर स्पेस छोड़कर लिखना, इंडेंटिंग का आप प्रयोग करें। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप एब्रीवेशंस का भी यूज़ करें। एब्रीवेशंस आप कैसे कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस, जैसे गवर्नमेंट के लिए हम GOVT लिखते हैं, साइंस के लिए SC लिखते हैं। आप वोवल ओमिट करके भी एब्रीवेशंस बना सकते हैं, जैसे कमीशनड, इसमें अगर आप वोवल्स ओमिट कर दें तो CMNSD आप एब्रीवेशन बना सकते हैं। इसी तरह से आप फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, जैसे मैक्सिमम MAX आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट फ्यू लेटर और लास्ट फ्यू लेटर्स भी लेकर एब्रीवेशन बना सकते हैं, जैसे मॉर्निंग MNG। आप फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, कुछ फ्यू लेटर्स, जैसे मैन्युफैक्चरिंग MFG लिख दो तो ये भी एक एब्रीवेशन बन गई। आप स्पेशल सिंबल्स या अर्थमेटिक सिंबल भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, एट द रेट, परसेंटेज, या एंड के लिए एंड का साइन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर एग्जामिनर आपसे चाहता है कि उन एब्रीवेशंस को आप एक बॉक्स बना के लिखें, उसके बाद आप लिखें उसका टाइटल जो आपका है, उसके बाद आप लिखें समरी। देखिए जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में क्या होता है, आपने पॉइंट्स लिखने हैं, उनके लिए को ग्रामर हेल्पिंग वर्ब SMR का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब आप समरी लिखेंगे, उनको प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंसेज में बनाएंगे, जो आपने नोट्स बनाएंगे वो उनकी आपकी वो समरी बन जाएगी। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज देखिए, ये इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसका जो पैराग्राफ 1 है, फिर इसके अंदर ये पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ 3 आ गया इसका, फिर जो इसका पैराग्राफ 4, और फिर इसका जो पैराग्राफ 5 इस पैसेज का आप देख सकते हैं, और ये आ गया हमारा इसी पैसेज के अंदर पैराग्राफ 6, फिर पैराग्राफ 7। अब कहता है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स इन ऑन इट, मेक्स नोट्स बनाइए कहता आप इसके। और नोट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, हाँ, यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस का आपने यूज करना है, और मेक यूज ऑफ ए सूटेबल फॉर्मेट का यूज करते हुए सुजेस्ट ए सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। आगे है राइट ए समरी ऑफ द पैसेज, समरी भी लिखनी है इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो देखिए इसके हम नोट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इस हमको इस पैसेज को इस पूरे जो है एक रीडिंग देंगे। जैसे ही हम इसको एक जनरल रीडिंग देंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये पूरे का पूरा जो पैसेज है ये ह्यूमन हार्ट के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद हम इस पैसेज को डिवाइड करेंगे, अब मेन हेडिंग निकालेंगे। मेन हेडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पैसेज को डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे होगा, वो लाइंस जो एक आइडिया को एक्सप्रेस करती है। देखिए ये फर्स्ट लाइन क्या है, ये बता रही है वर्क ऑफ द हार्ट, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। वर्क ऑफ हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड, द हार्ट्स जॉब इज टू कीप द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। आगे है ऑल द बॉडी सेल्स नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, एस्पेशली यूज देम, हाँ, स्पेशली दोज इन ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 minutes आफ्टर देयर ऑक्सीजन इज कट ऑफ। इट मीन्स कि ये कह रहा है अगर विदाउट जो ऑक्सीजन है
जो है सेल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के वो डाई हो जाते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट को, ये बर्कोफार्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एक डिवीजन हो गया जहाँ से एक हेडिंग आ जाएगा हमारा वर्क ऑफ ह्यूमन हार्ट। वर्क ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या है, ये कैन नेवर बी इंटरप्टेड। दूसरा है इट्स जॉब इज टू कीप द ऑक्सीजन ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। दूसरा है बॉडी सेल्स स्पेशली ब्रेन सेल्स डाई विदाउट कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये एक आइडिया को आगे देखिए, एसेज दो पैराग्राफ दो, द हार्ट इज स्पेशलाइज्ड मसल दैट सर्व्स एज ए पंप, द पंप इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट के बारे में बता रहा है ये। अब ये जो फोर चैम्बर्स हैं, अब कंस्ट्रक्शन कैसी हुई, हार्ट हमारा कैसा है, फोर चैम्बर्स इसके अंदर फोर चैम्बर्स हैं, और फोर चैम्बर कौन कौन से हैं देखिए, एक है इसके अंदर राइट एट्रियम एक चैम्बर है, इसको अंडरलाइन कर दिया, द फर्स्ट ऑफ द फोर चैम्बर्स है ये। फिर उसके बाद ये कहता है राइट एट्रियम से जो ब्लड है थ्रू ट्रांसक्यूस्पिड वाल्व इनटू द सेकंड चैम्बर राइट वेंट्रिकल, सेकंड चैम्बर आ गया राइट वेंट्रिकल। उसके बाद अगर हम इसको पूरे को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है, इसको अंडरलाइन कर दिया, फिर लेफ्ट एंट्रियम के एट्रियम के बाद ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट क्या हुई, देखिए इसके फोर चैम्बर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकम। तो ये कितने पैसेज हुए, देखिए पैराग्राफ टू थ्री फोर, ये जो है पैराग्राफ टू थ्री फोर, ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट के बारे में बता रहा है। तो इस ये हमारा सेकंड डिवीजन हो गया जहाँ से हमारा जो है सेकंड मेन हेडिंग बनेगा। सेकंड मेन हेडिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट के अंदर क्या है, फोर चैम्बर्स, फोर चैम्बर कौन कौन से, इनके नाम लिख देंगे आप, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन फोर चैम्बर्स का काम क्या है, द चैम्बर्स वर्क टू कीप द ब्लड फ्लोइंग अराउंड द बॉडी। ये जो चैम्बर्स हैं इससे जो है ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो होता रहता है। तो ये आया, उसके बाद देखिए ये पैराग्राफ फोर, हार्ट डिसीजेज कैन रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द हार्ट मसल्स, द वाल्व्स आर द पेसमेकर। ये पैराग्राफ फाइव में बताया गया कि हार्ट डिसीजेज कैसे रिजल्ट होते हैं। तो ये है हार्ट मतलब हार्ट को कैसे डैमेज होता है, द हार्ट इज डैमेज्ड कैसे, ड्यू टू द डैमेज्ड हार्ट मसल, द वाल्व्स आर द पेसमेकर। तो ये हमारा आ गया अगला मेन हेडिंग, यहाँ तक आप जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, जहाँ से एक मेन हेडिंग और निकल आएगा। उसके बाद देखिए, अनटिल द 20th सेंचुरी द डॉक्टर्स डिड नॉट डेयर टू टच द हार्ट इन 1953, ऑल दिस चेंज्ड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ वर्क, डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ द यूएसए, डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ द यूएसए, देखिए इसका क्या वर्क था, हैड डिवेलप्ड ए मशीन, इसने एक मशीन डिवेलप की, इस मशीन का क्या नाम था, हाँ, दैट कुड टेक ओवर टेम्परेरली फ्रॉम हार्ट एंड लंग्स, इसने हार्ट और लंग्स मशीन डिवेलप की, इसका क्या काम था, तो डॉक्टर जॉन गिबन की कंट्रीब्यूशन बताई गई है जहाँ से, इसकी क्या थी, डिवेलप्ड ए हार्ट लंग मशीन, ये क्या कर सकती थी, हाँ इससे क्या पॉसिबल हुआ, द एरा ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी हैड बिगन, इस हार्ट लंग मशीन से। तो यहाँ से एक मेन हेडिंग आ जाएगा, मेन हेडिंग क्या आया, मेन हेडिंग ये है कंट्रीब्यूशन, जहाँ हम कह सकते हैं डॉक्टर जॉन गिबन्स कंट्रीब्यूशन क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट लंग मशीन, इससे क्या हुआ, द एरा ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो गया। तो ये देखिए, उसके बाद देखिए अगला हमारा मेन हेडिंग क्या है, यहाँ से पैराग्राफ ये सेवन है, इसके अंदर ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब इससे क्या पॉसिबल हुआ, इन द ऑपरेटिंग थिएटर इट गिव्स सर्जन्स टू चांस टू रिपेयर आर रिप्लेस डिफेक्टिव हार्ट, जो हमारे अब है ये हार्ट लंग मशीन का फंक्शन बता रहा है, या हार्ट सर्जरी का वो क्या हो सकता है, उसका फायदा बता रहा है, क्या है, मैनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वाल्व्स इंसर्टेड इन देयर हार्ट्स। तो फंक्शन क्या हुआ हार्ट लंग मशीन का, प्लास्टिक वाल्व्स कैन बी इंसर्टेड व्हेन देयर ओन वर फॉल्टी, हाँ फॉल्टी वन की जगह पे, तो प्लास्टिक वाल्व्स कैन बी इंसर्टेड, एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा क्या है, मैनी पीपल आर बींग केप्ट अलाइव विद द टिन्नी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर्स, मतलब हाँ बैटरी हाँ ऑपरेटेड पेसमेकर्स कैन आल्सो बी इंसर्टेड, ये था इसका फंक्शन ओपन हार्ट सर्जरी का या हार्ट लंग मशीन का, क्या क्या, एक तो प्लास्टिक बल्ब इंसर्ट हो सकता था, दूसरा क्या था, बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये पैराग्राफ सेवन है, लेकिन इसके अंदर बट
हाँ वैल्यूएबल एज इट इज टू द सर्जन, द हार्ट लंग मशीन हैज सर्टन लिमिटेशन। देखिए यहाँ पे ये आगे जो जो लाइन्स है ना, ये एक अलग ग्रुप ऑफ आइडिया को एक्सप्रेस कर रही हैं। क्या ये हार्ट लंग मशीन की लिमिटेशंस बता रही हैं, तो ये हमारा मेन हेडिंग बनेगा, लिमिटेशंस ऑफ हार्ट लंग मशीन क्या क्या है। पहली, इट कैन बी यूज ओनली फॉर ए फ्यू ओवर्स, को फ्यू ओवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। वाई, बिकॉज अगर इनको हम लगातार यूज करें तो इससे हमारे क्या हो जाते हैं, डैमेजेस द ब्लड सेल। तो देखिए इसके कैसे नोट्स बनेंगे, तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। जब हम इसके नोट्स बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, हमने लिखा क्वेश्चन नंबर दो नोट्स, फिर एक लाइन का गैप, वर्क ऑफ द हार्ट, फिर हमने एक लाइन का गैप दिया, फिर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंने ये एक लिखा ना, तो एक पॉइंट एक इधर लिख रहा हूँ, तो इसको कहते हैं हम इंडेंट, इंडेंट का प्रयोग। अगर एक इधर लिखा तो एक पॉइंट एक, एक पॉइंट दो थोड़ा सा पीछे हट के। वर्क ऑफ हार्ट क्या था, कैन नेवर बी इंटरप्टेड, कीप्स ओ, ये ओ डैश है, ओ एब्रीवेशन, ओ हमने एब्रीवेशन यूज़ किया, ओ ऑक्सीजन के लिए, कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग द बॉडी। दूसरा क्या था, तीसरा सब हेडिंग इसी का, वर्क ऑफ द हार्ट, विदाउट अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बॉडी सेल्स स्पेशली ब्रेन सेल्स डाई वेरी सून। फिर हमने पढ़ा था एक मेन हेडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट आ गया। तो देखिए ये है 2.1, ए पंप विद फोर चैम्बर्स, इसके अंदर ये देखिए ये हमारा मेन हेडिंग टू, इसका सब हेडिंग आया ए पंप विद फोर चैम्बर्स। तो आगे इसके सब सब हेडिंग है ये, तो ये क्या क्या है, पंप विद फोर चैम्बर्स, ये देखिए सब सब हेडिंग क्या बना इसका, 2.1.1 राइट एट्रियम, ये एब्रीवेशन है राइट, फिर 2.1 का टू राइट वेंट्रिकल, फिर 2.1.3 राइट एट्रियम नहीं लेफ्ट एट्रियम, फिर 2.1.4 इसका क्या मतलब है, मतलब 2.1 हमारा सब हेडिंग आगे, इसका सब सब हेडिंग 4 है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए ये हमारे क्या आगे, सब सब हेडिंग, और ये था सब हेडिंग और ये मेन हेडिंग। फिर इसके बाद हमारा तीसरा मेन हेडिंग, हाँ आगे देखिए इसी का एक सब हेडिंग और भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का काम भी क्या है, द वाल्व्स एट ईच चैम्बर हेल्प टू कीप द ब्लड फ्लोइंग अराउंड द बॉडी इन ए सर्कल। फिर तीसरा मेन हेडिंग हमने डिस्कस किया था, हार्ट डिसीजेज रिजल्ट फ्रॉम किस किस से, डैमेज्ड मसल्स, ये देखिए हमारा तीसरा मेन हेडिंग, सब हेडिंग क्या बना, डैमेज्ड मसल्स, डैमेज्ड वाल्व्स, डैमेज्ड पेसमेकर। उसके बाद देखिए हमारे पास, हाँ वर्क ऑफ डॉक्टर जॉन गिबन, हमने ये भी पढ़ा था, मेन हेडिंग हमारा आ गया वर्क ऑफ डॉक्टर जॉन गिबन, क्या क्या ये मेन हेडिंग है, आगे सब हेडिंग क्या बना, 4.1 डिवेलप्ड एचएल मशीन, एचएल क्या है, हार्ट लंग मशीन, ये एब्रीवेशन यूज कर दी हमने। 4.2 मेड ओपन हार्ट सर्जरी पॉसिबल, फिर आगे है यूजेस ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी या ओब्लिक एचएल मशीन, क्या क्या यूजेस थे, इंसर्शन ऑफ प्लास्टिक वाल्व इन द प्लेस ऑफ द फॉल्टी बन, इसमें हम प्लास्टिक बल्ब इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या था, इंसर्शन ऑफ बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर्स। फिर लास्ट का हमने मेन हेडिंग निकाला था, लिमिटेशंस ऑफ द एचएल मशीन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग क्या बना इसका, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए टाइम, क्यों इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट, हाँ इट्स कंटिन्यूस यूजेस डैमेजेस द ब्लड सेल। तो देखिए जब हमने नोट्स बनाए हैं, कोई भी ग्रामर हेल्पिंग वर्ब इज ए मार बाज वर्ब शैल विल का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद हमने टाइटल लिख दिया, टाइटल है द ह्यूमन हार्ट, फिर एब्रीवेशन, लेकिन टाइटल लिखने से पहले हमने एब्रीवेशन के लिए बॉक्स बनाना था, तो ये बॉक्स बना देंगे। देखिए ऐसे लिखना है ओ डैश ओ, हाँ ओ जहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, तो ऑक्सीजन आगे है सी ओ एन एस, एब्रीवेशन हमने यूज़ की थी, ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्शन। फिर है राइट के लिए आर राइट, लेफ्ट के लिए एल ई एफ टी लेफ्ट, एच एल मशीन हार्ट लंग मशीन, इसलिए इस बॉक्स को हम एक इसको एब्रीवेशन को एक बॉक्स में हम बंद करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे समरी। अब समरी में क्या है, जितने भी हमने जो नोट्स बनाए हैं उनको हमने एक ग्रामेटिकली फॉर्म दे देनी है। समरी में क्या करते हैं, जो उस पैसेज का हम जिस्ट लिखते हैं, निचोड़ लिखते हैं, लेकिन जब जिस्ट लिखेंगे तो ध्यान रखें इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, वो समरी ही रहेगी, लेकिन जब हम पैसेज का जिस्ट लिखें और ओरिजिनल वर्ड्स और फ्रेजेज पैसेज वाले ही लिखें तो वो प्रेस ही बन जाती है। समरी के क्या अंदर होता है, लिखना तो जिस्ट ही होता है, लेकिन हम अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता चलता, जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको प्रॉपर ग्रामर का यूज़ बना के लिख देना, वो आपकी समरी बन जाएगी। जैसे देखिए हाँ क्या लिखा हमने, द वर्क ऑफ हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड, तो ये हमने कहाँ से लिया, ये नोट्स से ले लिया हमने। इट कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू
द बॉडी विदाउट अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बॉडी सेल डाई वेरी सून। देखिए ये जो है हमने यहाँ से लेकर जहाँ तक ये हमारे मेन हेडिंग वन था वहाँ से मैंने ये लाइन्स उठा ली हैं। आगे देखिए द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर विच हेल्प इन कीपिंग द ब्लड फ्लोइंग अराउंड द बॉडी इन ए सर्कल। तो ये चीज एक कहाँ से ले लिया मैंने, ये मेन हेडिंग टू से ये लाइन मैंने उठा के लिख दी है, उसको ग्रामेटिकली फॉर्म है। आगे देखिए मेन हेडिंग थ्री से क्या लिखा मैंने, हार्ट डिजीज इज रिजल्ट व्हेन एनी ऑफ इट्स मसल द वाल्व्स आर द पेस मेकर इज डैमेज्ड एज। हाँ तो ये कहाँ से लिखा मैंने, मेन हेडिंग तीन को हाँ मॉडिफाई करके लिख दिया। आगे मेन हेडिंग चार से क्या लिखा, एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द हार्ट लंग मशीन ये डॉक्टर जो है गिबर ने डेवलप की थी, डैमेज्ड बल्ब्स कैन नाउ बी रिप्लेस्ड एंड ए बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर कैन बी इंसर्टेड टू रिस्टोर द रिदमिक बीट्स ऑफ द हार्ट। मैंने क्या किया, मेन हेडिंग चार और पाँच को मिला के यहाँ पे लिख दिया, 80 वर्ष हमारे हो गए, तो ये हमारी समरी बन गई है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।